मैं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं गोंडा जिला के करनैलगंज विधानसभा में। जैसा कि आप जानते हैं, आज विधानसभा करनैलगंज से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजय सिंह का टिकट क्लियर हो चुका है। इस मौके पर क्षेत्रीय जनता अजय सिंह के आवास पर बधाई देने के लिए पहुंची है। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर क्षेत्रीय जनता का हुजूम लगा हुआ है। हम बात करेंगे यहाँ लोगों से, क्या है घुमाते रहना, घुमाते रहना। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह चौहान जी। राकेश जी, क्या राय है? ये हम, मैं सबसे पहले तो आज बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे 298 विधानसभा क्षेत्र करनैलगंज की। प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं अपने क्षेत्र की तरफ से कि माननीय अजय सिंह जी को, ब्लॉक प्रमुख परसपुर जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया और ये ऐतिहासिक जीत होगी। ये ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में। करनैलगंज की सीट 298 जीत कर ये युवाओं का जो जोश दिख रहा है, इससे 1,00,000 मतों से अजय सिंह जी विधायक बनके विधानसभा क्षेत्र पहली बार 1,00,000 पर। जय श्री राम, जय श्री राम। करनैलगंज को नया भविष्य मिला है और नया विधायक अजय सिंह जिंदा। जय श्री राम। करनैलगंज विधानसभा इतिहास बनाने जा रहा है। मेरा नाम मणिराम सिंह है। मणिराम सिंह जी, मणिराम जी, ये बताइए, आज आप आवास पर पहुंचे हैं बधाई देने के लिए जी, तो आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में ये माहौल है जी, पहले तो केंद्र, प्रदेश को और केंद्र को जी धन्यवाद ये देना चाहता हूँ कि उन्होंने कैंडिडेट बहुत सही चुना है जी। पहली बात तो ये जान लीजिए कि कैंडिडेट जो युवक, नवयुवक चुने गए हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की पीढ़ी ज़्यादातर नवयुवक की है और नवयुवक ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। नवयुवक ही हमारे देश का भविष्य है। अब ये बूढ़े और जो पड़े हैं 70-70 वर्ष से चलने को तरस रहे हैं और वो टिकट के लिए वहाँ लाइन में लगे हैं। क्यों ऐसा काम करते हो? अरे आपको विकास के लिए बनाया था जनता ने, विकास करने के लिए। 5 साल हो गया चुनाव हुए, 5 साल में कोई क्षेत्र में बता दे कि जो पूर्व विधायक है वो क्षेत्र में कहीं दिखाई पड़े हो। आपका आरोप पूर्व विधायक पर है? बिल्कुल है, 100% है। कभी क्षेत्र में नहीं आए, किसी सुख दुख में नहीं गए। तो हम तो प्रदेश और केंद्र सरकार को ये धन्यवाद देना चाहते हूँ कि जो कैंडिडेट उन्होंने बहुत सही चुना है। युवाओं से हम उनकी राय लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अखिलेश जी, बताइए क्या माहौल यहाँ पर? 1,00,000 वोटों से अजय भैया हमारे जीतेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गोविंद सिंह है। जी गोविंद जी, क्या लगता है आपको, क्या माहौल रहेगा अजय सिंह का? जी माहौल हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद जो आरोप अभी चाचा जी ने लगाया है पूर्व विधायक के ऊपर, वही मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप उठ बैठ नहीं सकते, आप विधानसभा में नहीं आ सकते, तो आप टिकट के लिए क्यों लगे रहते हैं? और मैं चाहता हूँ कि इस बार अजय भैया 1,00,000 वोटों से जीत कर विधानसभा लखनऊ पहुँचेंगे। मैं सभी मीडिया प्रभारी और जिले के सभी अपने समाज भारतीय जनता पार्टी नेता जी के समिति पदाधिकारियों को, मीडिया के प्रभारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि अजय सिंह जी को आज प्रत्याशी बनाया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से अजय कुमार सिंह का टिकट क्लियर हो चुका है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय सांसद कैसरगंज श्री भूषण सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, और अपने करनैलगंज विधानसभा की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके आशीर्वाद के स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने अजय सिंह के ऊपर विश्वास व्यक्त किया और उनको टिकट देकर एक बार करनैलगंज की जनता का सेवा करने का अवसर दिया। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जब से टिकट क्लियर हुआ है दोपहर 2 बजे से, तब से इनके आवास पर लगातार जनता का हुजूम उमड़ता ही जा रहा है। बाहर देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक अभी भी बधाई देने के लिए आ रही है प्रमुख जी को। और आपको बता दें कि इस समय ब्लॉक प्रमुख जी जो है अब विधानसभा प्रत्याशी के रूप में घोषित हो चुके हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता के बीच काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। सूरज जी, एक बात आप ये बताइएगा कि जैसा कि प्रमुख जी 5 महीने में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो चुके हैं राजनीति में, इतना जल्दी इतना ऊपर जाने का क्या कारण है? उनकी मेहनत का परिणाम,
जनता उनको अपना आशीर्वाद दे रही है, अपना प्यार दे रही है, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, आम आदमी के बीच में जा रहे हैं, गरीब अमीर सबके सबका साथ सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। और एक चीज़ उनके लिए मैं आज फिर कहना चाहता हूँ कि रगों में जो भी लहू है वो कर्नलगंज की जनता की अमानत है, जहाँ चाहे वसूल कर लेना, जब चाहे वसूल कर लेना।